कह रहे हैं एक्सपोज मोहसिन अली। मोहसिन अली को किसी का बाप भी एक्सपोज नहीं कर सकता। तू बैठे हुए तेरे माँ का यार बैठा है, तुम सबका बाप है जो हराम की पैदावार है, हराम की सट है, तो आए मेरे पास। रियल लाइफ ऑफ अमेरिका जी हैं, वो कह रहे हैं वंस मोहसिन अली सेड अबाउट इंडियन, जैसे फौज हारी थी वैसे टीम हारी है, बट स्टिल अ लॉट इंडियन पीपल गिव देम सुपर चैट। I don't know why from काफी बेहतरीन ये परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की। तो मोहसिन साहब ये क्या कैप्स का कोई कमाल है, दे दिया मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं क्या? देखे जहाँ जैसे फौज आ रही थी ऐसे टीम आ रही है, बस सिंपल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियन फैंस और वो लोग जो न्यूट्रल है, जो कॉमन सेंस को यूज करते हैं, कॉमन सेंस की बात है ये कि जब आप देखें ना जीती हुई फौज जो होती है उसकी ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस नजर आती है। ये लाइट मोड में बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, लेकिन है हकीकत है, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, है ये हकीकत है। जैसे ऑफ द फील्ड उनके साथ हुआ था वैसे ही ऑन। जब आपका हिंदुस्तान अच्छा करे और पाकिस्तानी उसके बढ़ बढ़ के चढ़ाए वो करें, मतलब की बढ़ाइयां करें कि वाह वाह पाकिस्तान की बुराइयां करें और हिंदुस्तान की अच्छाइयां करें, तो हमारी पब्लिक तो और इंटरेस्टेड होगी ना देखने। भाई हम तो बड़ाई करेंगे अपने देश की, लेकिन पाकिस्तान अगर आपको बोले कि अच्छा वाह जी वाह क्या बंदे हैं, अमेजिंग है, आपकी टीम बेस्ट है, पाकिस्तान तो बेकार है, तो वो इंटरेस्ट हो जाता है फिर लोगों को देखने में। भोली जनता होती है, और मैंने तो देखा हमारे जितने भी दर्शक हैं वो तो बिल्कुल ऐसी बात मान लेते हैं, वो इतने इनोसेंट है सारे के सारे मोस्टली, कि आपको उनको कुछ भी बोलोगे ना बेसिकली उसमें आ जाते हैं चीज में। तो वो इसलिए ज्यादा जनता वहां पे जाती है और देखती है और सुपर चैट भी देती है, उनको पसंद है, ठीक है भाई उनकी दुकान चल रही है। तेरी बहन तो मेरे पास नहीं आई थी, तो मुझे अपना बेनोई गाले अपनी, जिसने मेरे मुल्क को गाली दी तो भूल जाए, फिर प्यार मोहब्बत शोबत नहीं होगा, ये पहले बता दूं, मत जाए ये भूल जाए। वो और होंगे जो चापलूसी करेंगे, अगर चापलूसी करता, गुलामी करता, पट्टा डालता मोहसिन तो यहां पे किसी का डाल लेता, इतनी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करता। तो ये अपने दिमाग से निकाल ले कि मोहसिन अली झुक जाएगा, वो सिर्फ उसके आगे झुकता है। अभी नमाज पढ़ के बैठा हूं, वजू में हूं। हाँ द टीचर, तेरी बीवी को भी और तेरी बहन को भी मैं ही, आई विल मेक देम प्रेग्नेंट, इट इज माई प्रोमिस। तेरा तो है ही नहीं है, यूं है तो देखी यूं वाला क्या होता है। हाँ जी, और कोई? तेरी माँ की चूत बहन चोत जीएस, समझा रंडी के बच्चे, ये मेरा ये पुट, ये ले मुंह में लॉलीपॉप मेरा, जिसको डरा रहा हरामी, तूने क्या समझा है? यहाँ कोई टट्टू बैठे हुए, तेरे माँ का यार बैठा है यहाँ, तुम सबका बाप है जो हराम की पैदावार है, हराम की सट है, तो आए मेरे पास। क्या 9 पहले निकाले थे, 2-4 और निकाल दूं। तो दोस्तों आपने मोहसिन अली का कुछ शॉर्ट वीडियोस देखे, जिसमें कि आपने देखा होगा कि ये बंदा किस टाइप का है, ये हमारी इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, जिस तरीके से गालियां दे रहा है। दोस्तों ये इसका रियल फेस, और ये तो दोस्तों कुछ शॉर्ट क्लिप्स है। इसको मैंने बहुत सालों पहले से मैं इसको देखते आ रहा हूँ, जब ये इंडियन सॉरी पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे जब ये क्रिकेट एनालिसिस करता था, रिजवान हैदर के साथ ही बैठता था बहुत बार, तो उस टाइम से मैं इसको देखता आया हूँ। अब ये दोस्तों यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे इसको यूज चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए इंडियन टीम की, इंडियन फैंस की, इंडियन कंट्री की, दोस्तों हमारे क्या बोलते हैं कि हम बड़े बड़े बातें करता है, शुगर कटेड बातें करता है, स्वीट बातें करता है, क्योंकि दोस्तों कुत्ते की तरह इसको खाना चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए इससे बातें करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये इसका रियल फेस नहीं है। जब दोस्तों पाकिस्तान न्यूज चैनल्स पर बैठता था ना, तब जिस तरीके से वो बातें इंडिया के बारे में करता था ना, वो बातें सुन के दोस्तों आपको शॉक लगेगा। और वो दोस्तों बातें वो पाकिस्तानी आवाम के लिए खुश करने के लिए कहता था, वो गालियाँ सॉरी वो बातें सुनने के बाद दोस्तों आप इसको गालियाँ देंगे, इसको आप सुनना बंद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों ये तो कुछ शॉर्ट वीडियोस थी, मैं आपको ऐसे ही कई सारे वीडियोस इसके बारे में लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको उन फैंस तक पहुँचाना जो फैंस इसको सुपर चैट देते दोस्तों, जो कि हमारे इंडियन पैसा है, इसको हम डोनेट करते दोस्तों बेवजह के, वो पैसा हम अच्छे यूट्यूबर्स को दे सकते जो कि इंडिया में यूट्यूबर्स है। मैं कहने कहते आप सेवा करें, लेकिन वो पैसा आपके पास ही रखिए, आप किसी दूसरी जगह दोस्तों दे दीजिए, इसको प्लीज डोनेट ना कीजिए, ये बहुत ही गलत बंदा है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ऐसे आपको वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।